तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पापड़ की रेसिपी। बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस पापड़ को आप बना सकते हो और अपने खाने का स्वाद डबल कर सकते हो। अगर दाल चावल मिल गया है, रोटी सब्जी, उसके ऊपर पापड़ मिल जाता है तो खाने का तो स्वाद ही बढ़ जाता है। और ये कच्चे आलू का है फ्रेंड्स पापड़ और टमाटर का। आप इसे बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस पापड़ को बना सकते हो। 2 आलू और 4 टमाटर से हमने ये 50 से ज़्यादा पापड़ बना के तैयार किया है। और इसे न बेलना है न ज़्यादा, उस कोई झंझट ही नहीं है। इसे खाली पका के और इसे अपना ऐसे डालते जाओगे स्पून से, अपना शेप अपने आप ही लेते जाएगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पापड़ बना के आप सालों स्टोर करके खा सकते हो। जब भी पापड़ खाने का मन करे, आप सुबह शाम इसे तेल के अंदर डाल के फ्राई करके खा सकते हो। दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। अचानक कोई मेहमान आ जाता है तभी आप फ्राई कर सकते हो। फ्रेंड, इसे स्टोर करके आप रख सकते हो। एक बार इस तरह से पापड़ बनाकर आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब की होली पे तो फ्रेंड आप इस तरह से पापड़ जरूर बनाना। जो भी खाएगा आपका गुड़ गाते ही जाएगा कि आपसे पूछेगा कि आप कैसे बनाए हो इस तरह के पापड़। एक बार इसे आपसे जरूर पूछेगा इसकी रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर बनाना। और एक कांच जैसा कांच होता है वैसे ये चमक रहा है पापड़। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप मसाले इसके अंदर और ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला आई एंडी चैब में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और टमाटर से पापड़। जो आपका ये पापड़ है ना, सालों साल तक खराब नहीं होगा। इसे आप बनाकर स्टोर करके इसे आप खा सकते हो, जब भी आपको खाने का मन करे। साथ में चटपटा भी ये है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आलू जो लिया है इसे हम पहले छील के अच्छे से धो के ग्रेट कर लेते हैं आलू को। ये हमारा 2 आलू है, टमाटर हमारा 5 है। आप और भी बनाना चाहते हो तो और भी इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। इस तरह से आलू को हम 4 से 5 पानी से अच्छे से धो के साफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 बर्तन हम ले लिए हैं, एक बार इस पानी से धो के साफ करेंगे। और इसे अगर आप धो के साफ करके बनाओगे ना, तो ये जो हमारा पापड़ है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इस तरह से आपको 3 से 4 पानी से इसे अच्छे से धो के साफ करना है। इसी तरह से हम धो के साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे हमने बहुत अच्छे से धो के इसे साफ कर लिया है। कितना अच्छा ये चमक रहा है। तो अब क्या करना है, हमें लेना है मिक्सी जार। मिक्सी जार के अंदर सारे आलू को हम डाल लेंगे और इसे बारीक बिल्कुल हमें पीसना है। इसे इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे। इसे हम बारीक अच्छे से पीस लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप ज़्यादा मात्रा में पापड़ और बना सकते हो, पर इससे भी आपका 100 पापड़ बनके तैयार हो जाएगा सिर्फ 2 आलू से। साथ में हमने टमाटर भी कट करके ले लिया है, 5ों जितना हमारे पास टमाटर थे 5। अब इसे ढक्कन लगा के बारीक हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने आलू और टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। अब एक हम बर्तन लेंगे बड़ा साइज में और एक ऐसे लेंगे छन्नी। ये सभी को हम अच्छे से छन्नी के अंदर डाल के इसे अच्छे से छान लेना है। और एक स्पून लेंगे, इसी तरह से इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे फ्रेंड्स और इसे छान लेंगे। इसी तरह से सभी को छान लेते हैं। छान के इस तरह से लेने से पापड़ हमारा जो है ना बहुत ही चमकदार बनेगा। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे ये देखो कितना अच्छा सा इसका छिलका निकल के तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। और ये छिलके हैं इसे हम बाहर निकाल लेंगे किसी और बर्तन में।
तो इसी तरह से सभी को छाल लेना है और छिलके को हटा लेना है। तो फ्रेंड ये हमने सभी को छान के तैयार कर लिया है। एक कटोरी से मेजर कर लेंगे। ये जो हमारा पेस्ट है इसके अंदर हमने 5 से 6 कटोरी छानते समय पानी का यूज किया है। इसी तरह से मेजर करते हुए हम कटोरी से मेजर करेंगे और इसी से हम पानी का भी मेजर करेंगे। इस तरह से पेस्ट का मेजर करेंगे और पानी का मेजर करेंगे तो आपका जो पापड़ है ना बहुत ही अच्छा बनेगा, ना टूटेगा ना फटेगा। तो फ्रेंड इसके अंदर ये हमारा 10 कटोरी है, इसके अंदर हमने 6 कटोरी पानी का यूज किया था, 3 कटोरी हमारा पेस्ट था। दूसरे को बर्तन को धो के हम 1 कटोरी इसके अंदर और पानी ले लेंगे। गैस को जला लेते हैं। गैस को जला के फ्रेंड लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे और पेस्ट हमारा 3 कटोरी था, 6 कटोरी हमने पानी छानते समय लिया था पेस्ट को और उसके बाद 1 कटोरी हमने धो के लिया है। टोटल हमारा 10 कटोरी बनके तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से मेजर करके आप ले सकते हो पापड़ बनाने के लिए। तो इसे लगातार चलाते हुए इसे हम इसी तरह से पकाएंगे। तो इसी तरह से पका लेते हैं। तो फ्रेंड हमने लगातार चलाते हुए इसे पका लिया है, पहले से बहुत ही कम हो गया है ये। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे हमें 22 से 23 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। तो पहले से ये आधा हो गया है जल के, तो थोड़ा टाइम इसे और पका लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे पहले से ये कितना गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद। ये हमने टोटल 23 से 24 मिनट तक इसे पकाया है लगातार चलाते हुए। अब इसके अंदर डालेंगे नमक, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स नमक कम ही डालना है, सूख जाने के बाद ये और कम हो जाएगा, जैसे पकने के बाद बिल्कुल कम हो गया है। जैसे ये 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स आप कूटा हुआ भी लाल मिर्च पाउडर आप ले सकते हो इसके अंदर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 2 चुटकी डालेंगे फूड कलर, आप ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप इसे अगर कलरफुल खाना है तो इसे आप ले सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक दूसरे बर्तन में इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से चलाते हुए पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड मैं एक पन्नी बिछा ली हूँ और एक पन्नी के ऊपर ये 2 टेबल स्पून हमने टमाटर और आलू का पेस्ट को डाला है और इसे हल्का से फैलाएंगे, ये अपने आप ही शेप ले लेता है। तो इसी तरह से डाल के हल्का सा गोल मैं कर रही हूँ और इसे फैलाना ज़्यादा नहीं है। तो देख पा रहे होंगे हमने कितना सारा पापड़ इसे फैला के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से पापड़ को बना लेना है। फ्रेंड्स सूख जाने के बाद ये मेरा पापड़ कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है। तो पापड़ की रेसिपी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।